हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मखाने की रेसिपी। ये बच्चों को बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसको अगर आप रोस्ट करके इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड कर दो तो बच्चों को ये बहुत ही भाते हैं। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, अपनी बड़ी सी भूख को छिपाना चाहते हैं, तो आप इसको खा सकते हैं और आपकी भूख इससे छिप सकती है। तो ये आपको वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी आपकी रेसिपी है। अब हम इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये रेसिपी बनाने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए मखाने, जिसे हम फूल मखाने भी बोलते हैं, इसे हम लोटस सीड भी बोलते हैं। हमें चाहिए चाट मसाला, नमक, हमें चाहिए काला नमक, थोड़ी सी हल्दी, 1/4 टीस्पून हल्दी, और हमको चाहिए थोड़ी सी मिर्ची स्वाद अनुसार। ठीक है, अब हम सबसे पहले गैस शुरू करेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे। घी डालने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है। अगर आपको अपना वेट लॉस करना है तो घी सबसे अच्छी चीज़ है वेट लॉस करने के लिए। ठीक है, आप घी डालिए, घी को थोड़ा गर्म हो जाने दीजिए। इसके बाद मैं इसमें हल्की सी हल्दी डालूंगी, क्योंकि हल्दी डालने से ये इसका कलर पकड़ लेगा और हमारे मखानों पे भी इसका कलर चढ़ जाएगा। हम हल्दी का यूज़ बाद में भी करेंगे थोड़ा सा। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अरे आई एम सॉरी, हमारा जो घी है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें हमारे जो मखाने हैं वो डालेंगे और इसको हम रोस्ट करेंगे। रोस्ट हम हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे मखाने जल जाएंगे। हम इसको मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। आप देख सकते हो इसमें, देखिए कलर कितना अच्छा सुंदर आया है, क्योंकि बच्चों को कलर से ही खाना पसंद आता है, इसलिए हम इसमें हमने हल्दी का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हो मुझे मखाने रोस्ट करते करते लगभग 5 से 7 मिनट हो गए हैं। मैं आपको मखाने दिखाती हूँ। अगर मखाने हमारे इस तरीके से टूट जा रहे हैं आराम से, ये देखिए आप देख सकते हैं, अगर ये टूट जा रहे हैं तो इसका मतलब जो हमारे मखाने हैं वो अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। अब बारी आती है इसमें हमारी मसालों डालने की। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी हमारा जो नमक है, इसमें 1/2 चम्मच, छोटी चम्मच मैंने नमक डाला है, हमारा जो रेगुलर नमक आता है वो 1/2 छोटी चम्मच, हमारा काला नमक डाला है, 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर लाल मिर्ची डाली है, ये तीखी है इसलिए मैंने कम डाली है, और यहाँ पे जो हमारा मेन मसाला है जिससे स्वाद आता है वो है चाट मसाला। ये चाट मसाले डालने से बच्चों को इसका स्वाद जो है बहुत पसंद आता है। अब इसको हम खाली 1-2 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो इसमें मिक्स हो जाएं। देखिए जो मसाले हैं, अगर आपके मसाले मिक्स नहीं होते तो आप इसमें हल्का सा ऊपर से ऐसे तेल 2-4 बूंद डाल सकते हो, ताकि जो मसाले हैं वो आपके इसमें चिपक जाएंगे। ओके, तो हमारा जो ये मखाना है ये रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं सर्विंग बाउल में। हम गैस पहले बंद कर देंगे और हम जो हमारी जो सर्विंग बाउल है उसके अंदर हम मखाने निकालेंगे। आप इसको टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, ये 1 हफ्ते तक आपके 10 से 15 दिन आराम से चलेंगे, लेकिन बच्चों को ये इतने पसंद आएंगे कि आपके 10 15 दिन भी नहीं चलेंगे। जिस दिन आप खाने बैठोगे हो सकता है उसी टाइम आपकी ये फिनिश हो जाए।
अगर आपको मेरे मखाने की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।